देखिए जब बहुजनों पे अत्याचार होता है तो भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी खड़े होते हैं, कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो। लेकिन पार्टी बनाने का दिन नहीं आता अगर आकाश आनंद जी आते। नमस्कार, जय भीम साथियों, मैं ब्रजमोहन, आप देख रहे हैं जनता आवाज। इस वक्त हूँ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के बाहर। जी हाँ साथियों, आज भीम आर्मी का एक प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के चीफ हैं उनके द्वारा रखा गया। काफी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और उनकी पार्टी के आजाद समाज पार्टी के लोग उपस्थित हुए। अभी ये समापन का आप दृश्य देख रहे हैं, पूरे दिन भर से ये आज 21 जुलाई को प्रोग्राम चला, उसके बाद में ये कार्यक्रम जैसे ही समापन की ओर आगे बढ़ा तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर निकलने की अपने अपने घरों पर जाने की व्यवस्था लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ युवा गुजर रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ से वो आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अनिल जोनवाल है, तहसील संयोजक हूँ मैं, राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से कौन से डिस्ट्रिक्ट से? अलवर जिले से। तो क्या लगता है भीम आर्मी कुछ बहुजनों के लिए काम कर पाएगी? भीम आर्मी ने हमेशा ही बहुजनों के लिए काम किया है, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है हमेशा के लिए, और आगे भी करती रहेगी। क्या कुछ नया सीखने को मिला आज? नया सीखने को ये मिला है कि जैसे कोई भी अत्याचार होता है कि ओनली भीम आर्मी खड़ी पाती है, ऐसी कोई सी भी पार्टी नहीं है जो कि ना भीम आर्मी का साथ दे। क्या पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा है? मेरी का नाम है BSc सेकंड ईयर चल रही है। तो क्या से तमाम लोग आरोप लगाते हैं जो भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद जी के जो विरोधी हैं कि वो तो तमाम नए लड़कों को गुमराह करके उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, आपका क्या मतलब करियर के बारे में? ये उनकी का नाम है सब चीज गलत है, मतलब जो पार्टी सत्ता में है उसकी दबाव में, अब मोदी सरकार ने जो भी नौकरियां वो कहना प्राइवेट कर दिए। देखो अग्निपथ वीरों की भाई को की कहना में चार साल की कहना में नौकरी कर दी, जो भाई ने कम से कम एकेडमी में 5-5 लाख रुपए खर्च कर दिए, उनको एक साल में क्या दे रही कहना में बताओ। शुक्रिया बात करने के लिए, और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है सर आपका? दयानंद सर। कहाँ से आए हो? लखनऊ। लखनऊ से? अच्छा, बहुजनों की राजधानी से आए आप तो पूरे। तो लखनऊ राजधानी है, दरअसल मेरा जिला पड़ता है उन्नाव। उन्नाव में एक महान विधानसभा है, महान विधानसभा से अध्यक्ष भी। तो क्या मतलब लगता है जो तमाम लोग जैसे BSP का उत्तर प्रदेश में क्या हाल रहेगा आने वाले चुनाव में, और बहुजन समाज किस तरफ ज्यादा करवट लेगा, भीम आर्मी या बहुजन समाज पार्टी? तो ये तो अभी पीछे चुनाव बता दिया ना, जो चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ है उसमें खुला रिजल्ट निकल आया है। वो रिजल्ट तो निकल आया, लेकिन वो ट्रांसफर इधर कहाँ हुआ है? नहीं, BSP थी, जब BSP थी हम लोग भी BSP के ही कार्यकर्ता हैं, BSP में बस भर भर के ले जा रहे थे हम लोग, लेकिन वहाँ पर हम लोगों की जैसे अभी कोई हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमारे लोगों पे कोई जुल्म जास्ती होती है, तो BSP का यही BSP टूटने का कारण है। तो आप इसी बात को सबसे बड़ा पुख्ता मतलब पॉइंट मानते हैं कि जब अन्याय अत्याचार होता है तो BSP के नेता और कार्यकर्ता, BSP का एक नेता कहीं पर आता हो, बहन जी का एक भी कहीं ट्यूटो आता हो कि किसी दलित पे किसी बहुजन पे अगर अत्याचार हुआ तो बोली। अब तो आने लगे आकाश आनंद राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश। आकाश आनंद बहन जी के भतीजे हैं और भाई चंद्रशेखर भाई एक प्राइमरी पाठशाला के टीचर के बेटे हैं, अगर वो चीफ उनकी बुआ चीफ रही हैं और हमारी भी बुआ रखे हैं, बहन रखे कुछ भी रहे, तो उनको आज आने तो ये दिन नहीं आता पार्टी बनाने का। संगठन बना था अलग चीज थी, लेकिन पार्टी बनाने का दिन नहीं आता अगर आकाश आनंद जी आते मैदान में। जो आ रहे हैं तो क्या लगता है वो दिखावा है सिर्फ? नहीं, दिखावा है। अभी क्या हुआ, अभी ब्राह्मण सम्मेलन किया, सब कुछ किया, कहाँ तो भैया आप भी इनके साथ ही हो? मैं भी लखनऊ से विधानसभा संगठन सचिव हूँ, मलिहाबाद से। तो कहते सुनने में आता है कि चंद्रशेखर के अंडर में तो कोई बहुजन समाज है ही नहीं, वो तमाम नए युवाओं को पकड़ लेते हैं, उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं। कौन बता रहा? ये लोग चर्चाएं आती हैं जो अधिकतर किसी पार्टी के लोग मतलब ये दावा करते हैं उनके साथ। देखिए जब बहुजनों पे अत्याचार होता है तो भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी खड़े होते हैं, कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े होते हैं हर जगह पे। जब किसी भी चीज पर अत्याचार होता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े होते हैं।
क्या नाम भाई आपका? जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार पड़ेगा, जो कि मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ। आजमगढ़ से? हाँ, कभी भी हमारे यहाँ यूपी में कभी भी दंगा फसाद जो भी हुआ है आजमगढ़ में, कई बार ऐसे ही हमारे जातियों के लोगों को दबाया गया था उनवादियों के लोगों द्वारा। कभी भी कोई आवाज़ होती है तो ये लोग हमेशा हमें दबाने की कोशिश करते हैं, कभी भी हम लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि हम ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कभी भी हमारे में शामिल हो जाते हैं। और भी जनता है, और भी पार्टी है, क्यों नहीं वो शामिल होती? बस हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी पार्टी के सपोर्ट करते हैं, क्या और पार्टी सपोर्ट करती तो हम लोग नहीं आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। जी बस यही कहना चाहूँगा। तो साथियों, ये थे हम तालकटोरा स्टेडियम के बाहर, जहाँ पर भीम आर्मी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उनका समापन हुआ है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने शहर और गांव जाने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप देखते रहिए जनता आवाज़, और आपको ये खबर कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।